स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज हमारे पास एक नया बॉक्स जो है आ गया है। इस बॉक्स में हमने alvarwala.com से मिठाइयाँ मंगवाई है और उसको भी मंगवाने का कारण था किसके लिए क्या कुछ आया वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। मीनवाइल मैं आपको बता दूं alvarwala.com से ऑर्डर करना बहुत ही आसान है और इससे पहले भी हमारा एक्सपीरियंस जो इसके साथ काफी अच्छा रहा। हमने इनका अचार भी ट्राई किया, इनकी मिठाइयाँ भी ट्राई की है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं हमने इस बॉक्स में क्या मंगवा लिया है और कौन सी मिठाई जो आज हमारे घर पर डिलीवर हुई है। तो भैया बॉक्स में देखें क्या कुछ डिलीवर हुआ, उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। alvarwala.com से ऑर्डर करना बहुत ही आसान है। स्वीट स्नैक्स या फिर माउथ फ्रेशनर आप अपनी मर्जी से ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो सपोर्ट सिस्टम है, जो आप एक बटन हमेशा स्क्रीन पे देखते रहेंगे, वो बहुत ही कन्वीनियंट है, जिसकी हेल्प से आप रियल टाइम जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं उनसे बात करके अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। और कोई भी किसी भी तरह का आपका कोई भी दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा हो ना, वो यहाँ से पूछ सकते हैं और फिर मिठाई ऑर्डर कर सकते हैं। तो भैया यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंगो कलाकंद की पैकेजिंग है, इसमें साथ साथ लिखा भी होगा कि और सारी कितनी सारी मिठाइयाँ जो है ये कंपनी जो है डिलीवर करती है। 500 ग्राम की इस पैकेजिंग का जो कीमत है वो 400 रुपये है और जकास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है यहाँ पे क्लियरली मेंशन लिखा हुआ है। एड्रेस भी और टोल फ्री नंबर वगैरह कस्टमर सपोर्ट के सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। और अब जो दूसरी मिठाई हमने यहाँ पे मंगवाई है वो है शुगर फ्री कलाकंद। इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो हमने नॉर्मल कलाकंद मंगवाया था और वो सबको इतना पसंद आया था ना कि उसके बाद तो बहुत सारे ऑर्डर जो है उस कलाकंद के होते ही रहते हैं। अब बात आती है इस वाले कलाकंद की, तो 600 रुपये प्राइसिंग है, थोड़ा सा हायर साइड पर है अगर अब बात की जाए नॉर्मल वाले कलाकंद से। अलवर में क्या होता है कि भैया कलाकंद जो होता है ना, मिल्के को कलाकंद बोला जाता है और उसकी खोज जो है वहीं पर हुई थी। और बाकी रही बात, ये एक एडिशनल चीज़ जो हमने मंगवाई है, ये खट्टी मीठी मैंगो की टॉफियाँ जो बचपन में खाया करते थे, तो भैया अपने बचपन के दिनों को याद करने के लिए हमने वापस मंगा ली। अब बात कर रहे थे हम कि कलाकंद की, और कलाकंद जो है शायद NCR में या बाकी स्टेट में इसको इस चीज़ को पर्टिकुलर इस मिठाई को मिल्क केक बोला जाता है। और बाकी भैया आपके एरिया में अगर कुछ और नाम से जाना जाता है तो आप कमेंट करके बताना कि आपके एरिया में इसको क्या बोला जाता है। इस प्रोडक्ट की यानी इस मिल्क केक की कह लीजिए, कलाकंद की कह लीजिए, सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगती है ये इसका दानेदार होना और स्वाद तो भैया लाजवाब है। आप अगर ऑर्डर करते हैं हमारा वीडियो देख के और ऑर्डर करने के बाद आप कमेंट करके बताना आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा, बट मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और ये जो स्ट्रक्चर बिगड़ गया ना इसका, ये हमारे आर्या की कलाकारी है। आर्या ने इसको 3-4 बार गिरा दी क्योंकि ये बेकरार हो रखी थी कि जल्दी से बॉक्स ओपन करो, बॉक्स में क्या है। अदरवाइज़ आपको कुछ इस तरीके की पैकेजिंग जो है देखने को मिलती है और टेक्स्चर जो है आप देख सकते हो बीच में जो थोड़ा सा डार्क कलर है, बिल्कुल ही मतलब एकदम ऑथेंटिक सा ओरिजिनल सा लगता है। ऐसा लगता है कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई, सिर्फ आपके लिए ये बनाया गया है। और ये टेक्सचर जो है आप अंदर से देख सकते हो कितना प्यारा जो लग रहा है, कितना दानेदार जो है मिल्क केक या फिर कलाकंद में कहूँ तो देखने में लग रहा है। अब भैया एक मैं आपको दिक्कत बताता हूँ, क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आप इस तरीके की चीज़ों के जब वीडियो बनाते हो ना तो खुद को रोक नहीं पाते हो, क्योंकि एज ए कंटेंट क्रिएटर क्या होता है आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, कुछ शॉर्ट्स लेने होते हैं और मिठाई की जब अनबॉक्सिंग करनी होती है तो हम थोड़ा भूल ही जाते हैं अक्सर। और भैया ममता ने तो इसको बिल्कुल पास कर दिया है। और ये टॉफियाँ हमने चेक करनी है कि आर्या को पसंद आती है कि नहीं। एकदम खट्टी मीठी कुछ जो टॉफियाँ ना कुछ इस तरीके की दिखती हैं और बचपन वाली जो है यादें ताज़ा हो जाएंगी आपको इस टॉफियों को अगर आप खाओगे तो। और बाकी आर्या ने भी इनको पास कर दी तो शोर सी बात है नेक्स्ट टाइम फिर से ये आर्या के लिए ऑर्डर होने वाली हैं। और आर्या अपने इशारे से बता भी दी उसको काफ़ी टेस्टिंग लगा। और मैंगो केक जिस ओकेशन के लिए मंगवाया गया वो है भाई हमारा दलजीत भाभी का बर्थडे। और इस मैंगो केक या कलाकंद की कटिंग हो उससे पहले मैं ज़रा एक काम करता हूँ, आपको क्या माहौल था थोड़ी एनर्जी यहाँ की भी दिखा देता हूँ। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक कटिंग के बाद ना एक चीज़ तो मैं आपको बता सकता हूँ, दलजीत भाभी और रंजीत पाजी को ये मिल्क केक यानी अलवर वाला का कलाकंद जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मिल्क केक को हमने बर्थडे केक में काट दिया है और ये मतलब ऑलमोस्ट सब ने खा के भी देख लिया है, बस पूजा भाभी ने नहीं खाया। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मजेदार है, मतलब बिल्कुल ही अलग है। जैसे मिल्क केक का टेस्ट तो आ ही रहा है, साथ में मैंगो का टेस्ट भी आ रहा है, तो मेरे को मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट सा ऐसे ही लग रहा है। हा हा हा, बस मस्त है एकदम जबरदस्त, 10 out of 10। कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा है। कितना खा सकते हो? ये वाला पार्ट आपको दे। अच्छा इतना देगा मेरे को, बाकी सारा खा जाएगा। इतना यम्मी है सच्ची में। कितने मार्क्स देगा 10 में से? 10 में से दूंगा मैं बिलियन। ये मीठा खाने वाले लोगों का नशा है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोगों का टेस्ट अलग अलग होता है, सब
चीजें सबको अच्छी नहीं लगती, बट स्टिल आपको एक बार खा के देखना चाहिए कि जो ये मैंगो फ्लेवर है ये अलग ही हिट कर रहा है, मतलब जबरदस्त है एकदम। अब भैया मैंगो कलाकंद का तो शानदार फीडबैक मिल ही गया था, तो सोचा क्यों ना शादी के नगर से अंकल जी और आंटी जी को बुलाया जो हमारा नोएडा में बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो क्यों ना आज शुगर फ्री कलाकंद के साथ उनका भी थोड़ा ख्याल रखा जाए। टेस्टी है तो क्या मतलब मंगवा के खा सकते हैं बाद में भी? अच्छा, और इसके जो क्या कहते हैं रेशे नहीं होते जो दाने अलग अलग हो रहे, अच्छा लग रहा है, चिपचिपे से नहीं है वो, लेकिन खाने में घी भी लग रहा है, यम्मी है, हम मंगा सकते हैं। ठीक ठाक। चलो अंकल जी आप बताओ आपको कैसा लगा मिल्क केक? बहुत अच्छा है। तो ये उसकी जो मिठास भी अच्छी है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा। हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली बची है ये मिठाई, और ये बची नहीं है भैया, बचाई गई है सिर्फ वीडियो के क्लोजिंग के लिए। अब क्या हुआ, इतने सारे लोगों ने जो मिठाई खाई तो सबको अच्छी लगी, थोड़ा थोड़ा और एक्स्ट्रा खा गए, तो एक डिब्बा जो था वो कल बर्थडे पे खत्म हो गया, एक आज जो डिनर के बाद खत्म हो गया, तो भैया इतना ही बचा, हमें कुछ और ऑर्डर करना पड़ेगा। अब मीनवाइल जब तक नेक्स्ट ऑर्डर आता ना, हम ये जो है खट्टी मीठी गोलियां जो है ना खा के टाइम पास करने वाले हैं। तो भैया आप भी जाइए alarwala.com से अपने लिए स्नैक्स या मिठाई ऑर्डर कीजिए और हमें बताना एक्सपीरियंस कैसा रहा। मीनवाइल जो ये गोलियां हम खत्म करते हैं और मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।